नाम मोनू कुमार, घर कल्याण विभाग अनाथ। आप कल्याण विभाग से? विद्यालय का नाम बताओ। उत्तर विद्यालय कल्याण विभाग अनाथ। एक मिनट, स्कूल का नाम फिर से बोलो। उत्तर विद्यालय कल्याण विभाग अनाथ नालंदा। कल्याण हरनौत कल्याण विभाग। प्रोजेक्ट का नाम बता दीजिए। मैंने बाप बनाया। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? एकदम कोई घबराना नहीं, घबरा के नहीं, एकदम आराम से, आराम से। प्रोजेक्ट का क्या नाम है तुमने दिया है? पॉल्यूशन को कम करना। ठीक है, नहीं नहीं, पॉल्यूशन को कम करना। पॉल्यूशन मैंने ये वाटर प्रूफ भरना है। यहाँ से अगर जल्द आएंगे पहले ये बिग स्टोन जाएगा, ये स्मॉल स्टोन में, ये सैंड में, ये कॉटन में, इसके बाद ये साफ होगा। ठीक है, ये बता दिया, और क्या बताना चाह रहे हो? इससे प्रदूषण कैसे सर? बच्चा को कहने दीजिए, करके दिखाओ। जल प्रदूषण, वही तो जानना चाहिए कैसे लगाइए। ये तो पानी है। आ रहा कुछ लगा तुम्हारा पानी साफ हो गया तब पूरा नंबर मिलेगा। लास्ट में तो साफ नहीं हो पाएगा। नहीं होगा मैम, हम करके देखें। अच्छा ठीक है, देखते हैं। और पानी का, पानी और ऑब्जर्व हो जाए। कॉटन बहुत पहले कॉटन है ना, तभी तो फिल्टर करेगा। आ गया, देखिए। चलिए, पानी साफ आ गया है हमारा। लेकिन बड़े स्तर पर कैसे हो रहा है? तो छोटे स्तर पर हो रहा है, बड़े स्तर पर कैसे इसको कहेंगे? जैसे पानी तो मान लीजिए एक कप में ना है, स्कूल सिस्टम में लगा, स्कूल सिस्टम में कैसे भैया? अब की तो हमारा सबसे ऊपर रहेगा, तब कैसे करोगे बाबू? स्कूल में तुमको ये काम करना कैसे करो? घबरा नहीं, बताओ ना कैसे कर सकते? बहुत अच्छा बनाए हो, ये सोच लो, सिर्फ थोड़ा सा बोलो, बहुत अच्छा। बोलो, जैसे गंदा पानी स्कूल में है और टंकी ऊपर पानी खत्म, थोड़ा देखो पानी जो इस्तेमाल होगा तो गंदा पानी बस थोड़ा, एक बाल्टी थोड़ी निकलेगा, बहुत ज्यादा पानी निकलेगा। तो अगर ज्यादा पानी को अगर हमको फिल्टर करके इसी तरीके से लाना है तो उसके लिए तुम क्या करोगे? अच्छा, सैंड से जो निकलेगा तो प्योर वाटर पीने लायक? ये तो प्योर वाटर नहीं है, बालू से जब रहेगा, इसी कपड़ा तुम धोगे पीने लायक पानी रहेगा वो, या फिर तुम इसको पीने के लिए तो नहीं होगा ना, खाने के लिए होगा। अब इतना खर्च करके क्या लाभ होगा? जो इतना सिस्टम बनाएंगे, पानी पीने योग्य बनेगा तब ना। तुम साफ पानी की बात है तो क्या बोली, जल प्रदूषण हुआ। अब जल में जो प्रदूषण हो उसको हम इस तरीके से पानी का जो है जो अवाशनीय तत्व है वो निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं, अनडिजायरेबल एलिमेंट जो उसमें मिल गया उसको हटाने के लिए हम ये कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पानी आया है बाबू तो इसको हम पीने या खाना बनाने या नहाने में नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, यही कहा जा रहा है। ठीक है, और क्या बताने की कोशिश करो? और कुछ है इसमें? हाँ बताओ, उसमें क्या करोगे? तो विद्युत धारा दिए।